आज हम लोग ब्लडर इरीगेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ब्लडर इरीगेशन क्या होता है। इरीगेशन मतलब कहीं ना कहीं क्या है, ब्लडर को क्लीन करना या वॉश करना, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया या उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, उसको ट्रीट करने के लिए हम जो प्रोसीजर अप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लडर इरीगेशन। या कहीं ना कहीं उसको यूरिनरी ब्लडर को वॉश करना, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लडर इरीगेशन। अगर डेफिनेशन देखें तो क्या, ब्लडर इरीगेशन और वॉश डिफाइंड एज द वॉशिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लडर। ब्लडर इरीगेशन मतलब क्या होता है, इसको क्या करना, वॉश करना किसको, यूरिनरी ब्लैडर को। देन क्या, डायरेक्टली बाय द स्ट्रीम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू द ब्लैडर थ्रू द यूरिनरी मैट्रिक्स बाय द मींस ऑफ द कैथेटर ट्यूबिंग एंड फनल। मतलब ये क्या करेंगे हम, इसमें एक ट्यूबिंग से क्या करेंगे, कुछ यू भी होगा उसको मैट्रिक्स में थ्रू क्या करेंगे हम, कोई ना कोई सॉल्यूशन इंसर्ट करेंगे, देन उस एरिया को क्लीन करके देन अदर ट्यूब से क्या होगा, मैट्रिक्स के थ्रू क्या होगा, उसको बाय द रिमूव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या, यूरिनरी ब्लैडर इरीगेशन। मतलब कहीं ना कहीं कोई किसी भी सॉल्यूशन का यूज़ करके हम क्या करें, ट्यूबिंग के हेल्प से, इसमें क्या करें, बाई शेप ट्यूबिंग यूज़ करें, जिसमें कहीं ना कहीं क्या हो, एक ट्यूबिंग जो कहीं ना कहीं जो भी हमने सॉल्यूशन इंसर्ट किया उसे यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाना, देन सेकंड ट्यूब क्या करेगी, वहाँ पे अच्छे से वॉश कर क्लीन होने के बाद जो भी कंटेनर उसको क्या करें, रिमूव करना, और उसको कहीं ना कहीं एक बकेट जो कंटेनर में रिमूव करने में हेल्प करे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ईजिली बाई द मीटर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं किसके, मीटर्स ऑफ द कैथेटर ट्यूबिंग एंड फनल। और कैथेटर का यूज़ करके, ट्यूबिंग एंड फनल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ईजिली यूरिनरी ब्लैडर को क्लीन या वॉश कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर इरीगेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस, कि यूरिनरी ब्लैडर को क्लीन करने के पीछे क्या पर्पस है, उसको वॉश करने के क्या पर्पस है। तो फर्स्ट स्टेप का क्या, टू क्लीन दी ब्लैडर। तो हम अगर प्रॉपरली उसको वॉश करेंगे, इरीगेशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं, किसको, यूरिनरी ब्लैडर को क्या करते हैं, क्लीन करेंगे। नेक्स्ट टू मेडिकेट दी लाइनिंग ऑफ दी ब्लैडर। तो अगर हमें कोई मेडिसिन भी अप्लाई करना, तो हम वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसकी हेल्प से। मतलब कोई भी मेडिसिन हमें क्या करना, उसकी लाइनिंग पर अप्लाई करनी है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं डॉक्टर के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू कंसल्टेंट, टू प्रिपेयर दी ब्लैडर फॉर सर्जरी। हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं किसके लिए, सर्जरी के लिए, ब्लैडर को क्या रेडी रख सकते हैं सर्जरी करने के लिए, क्या करके, ब्लैडर इरीगेशन करके हम उसको रेडी रख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं सर्जरी के लिए, मतलब कोई सर्जरी के टाइम कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट है टू प्रमोट हीलिंग, हीलिंग को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम अच्छे से प्रॉपरली क्लीन करके रखेंगे तो जो इन्फेक्शन है उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे और हीलिंग को ईजिली इम्प्रूव कर सकते हैं, हम जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, उसको हील करने में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, टू रिलीफ पेन। अगर प्रॉपरली अगर मेडिसिन या उसको प्रॉपरली क्लीन करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, पेन में भी रिलीफ कर सकते हैं, उसमें जो प्रेशर है उसको हम रिड्यूस कर देंगे और हम क्या कर सकते हैं, जो पेन हो रहा है उसे हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर पाएंगे। नेक्स्ट में क्या आपका, सॉल्यूशन यूज्ड। अगर हम ब्लैडर इरीगेशन कर रहे हैं उस दौरान हमें कौन कौन से सॉल्यूशन की नीड होगी या किन किन सॉल्यूशन का हम यूज़ करेंगे, तो ये कुछ सॉल्यूशन है उनको हम कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसके बेस हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो बस आपका नॉर्मल सलाइन 0.9% जो ऑल इजीली में मिल जाएगा, तो या तो हम नॉर्मल सलाइन यूज़ करेंगे वो कितना होना चाहिए, 0.9%। नेक्स्ट आपका बोरिक एसिड सॉल्यूशन 2%। क्या होगा आपका, बोरिक एसिड सॉल्यूशन होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, कितना, 2%। नेक्स्ट आपका स्टेराइल वाटर, क्या रहेगा, स्टेराइल वाटर का यूज़ कर सकते हैं, कहीं ना कहीं क्या करने के, यूरिनरी ब्लैडर को क्लीन करने के लिए या वॉश करने के लिए। नेक्स्ट आपका यह आपका एसिटिक एसिड, क्या कर सकते हैं, एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं, उसका रेशियो कितना रहेगा, 1:4000। तो उसको हम क्यों करते हैं, टू ट्रीट इन्फेक्शन। एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं क्यों, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, उसको ईजिली ट्रीट करने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का रेशियो क्या रहेगा, 1:8000। उसको हम क्या कर सकते हैं, टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन। अगर कहीं ना कहीं किसी भी यूरिनरी ब्लैडर में क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है तो हम क्लॉट फॉर्मेशन को फॉर्म होने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, किसकी हेल्प से, आपका सोडियम नाइट्रेट की हेल्प से। नेक्स्ट है आपका सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट का भी यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं यूरिनरी ब्लैडर को क्लीन करने के या इन्फेक्शन फ्री करने के लिए। नेक्स्ट आपका एक्रीफ्लेविन का यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं, क्यों, कि कोई ना कोई इन्फेक्शन है या कोई ना कोई माइक्रोबियन को किल करने की यूरिनरी ब्लैडर, तो इसका रेशियो क्या होगा, 1:10,000। देन इसका आप क्या रहेगा, सिल्वर नाइट्रेट का रेशियो क्या रहता है, 1:5,000। तो हम ये कुछ सॉल्यूशंस हैं उनका हम यूज़ करते हैं कब, ब्लैडर इरीगेशन के लिए, मतलब ब्लैडर को वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए। इन सॉल्यूशन की हेल्प से हम इजीली क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं या वॉश कर सकते हैं, या कोई भी इन्फेक्शन है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेथड, तो इसमें क्या है, टू मेथड्स यूज़ करते हैं, कौन कौन से, आपका एक फनल है और एक एसेप्टो सिरिंज। तो क्या होता है फनल, उसको हम क्या बोलते हैं,
ये क्या टू टाइप्स में फनल या ट्यूबिंग मेथड होता है आपका, एक एसेप्टिक सर्जरी है इसको हम ओपन मेथड बोलते हैं, या ये आपका क्या रहता है क्लोज मेथड। तो ओपन मेथड मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिरिंज की हेल्प से हम क्या करते हैं जो भी है सॉल्यूशन जो भी है यूरिनरी को क्लीन करना, तो वो क्या रहता है आपका एसेप्टो सिरिंज मेथड। नेक्स्ट है फनल या ट्यूब, कोई ना कोई ट्यूबिंग इंसर्ट करके हम क्या कर सकते हैं जो भी एरिया को क्लीन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ट्यूबिंग या फनल मेथड। तो मेनली टू मेथड अप्लाई करते हैं, कौन कौन सा आपका फनल एंड ट्यूबिंग मेथड या एसेप्टो सिरिंज। तो इन दोनों मेथड की हेल्प से हम इजीली क्या कर सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर को अच्छे से क्लीन या वॉश कर सकते हैं या इन्फेक्शन फ्री रख सकते हैं, मतलब जो भी इन्फेक्शन हो रहा है उसको हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं इन मेथड की हेल्प से। नेक्स्ट है इक्विपमेंट, अगर हम किसी पेशेंट को क्या ब्लैडर इरीगेशन की प्रोसीजर अप्लाई करने जा रहे हैं उस ड्यूरिंग हमें किन किन इक्विपमेंट्स की नीड होगी, तो वो कौन कौन सा आपका फनल की नीड होगी जिससे हम इजीली क्या कर सकते कोई भी सॉल्यूशन को इजीली इंसर्ट करा सके। नेक्स्ट है आपका ट्यूबिंग, जो उसको फनल को हम क्या करते हैं ट्यूबिंग से कनेक्ट कर जो भी सॉल्यूशन है उसको कहीं ना कहीं हम यूरिनरी ब्लैडर में इंसर्ट करा पाएंगे। नेक्स्ट वो जो भी ट्यूबिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए मिनिमम 3 फीट होना चाहिए जिससे कि इजीली हम उसको कनेक्ट कर अच्छे से हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन को इंसर्ट करा सकते हैं। देन आपका स्मॉल मग, स्मॉल मग सॉल्यूशन को हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए स्मॉल मग का यूज़ करते हैं सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए कितनी अमाउंट में हमें सॉल्यूशन नीड है। नेक्स्ट है आपका जग, एक जग का यूज़ करेंगे स्टेराइल जग का यूज़ करेंगे जिसमें कोई ना कहीं क्या हो जो भी सॉल्यूशन है उसको हम इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। देन आपका एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस का यूज़ करेंगे जिससे कि हम उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, हैंड वॉश हैंड्स को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे जिसमें कोई ना कोई एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं यूरिन का, तो उस कंडीशन में लिटमस पेपर। नेक्स्ट है आपका बकेट्स, हमें किसकी नीड होगी बकेट्स की होगी जो कहीं ना कहीं यूरिनरी ब्लैडर से जो भी कंपोनेंट रिमूव हो रहा है उसको हम क्या करें बकेट्स के अंदर फिल करेंगे। तो हमें ये कुछ इक्विपमेंट की क्या होती है नीड होती है, तो फनल जिससे हम इजीली क्या कर सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन को फिल करेंगे ट्यूबिंग की हेल्प से, फनल को कनेक्ट करके हम यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, देन स्मॉल जब मग की हेल्प से हम सॉल्यूशन को मेजर करेंगे कि हमें कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन की हमें नीड है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें मेजर करके जो भी ज़्यादा उसमें क्या करें हम अच्छे से उसको कितनी अमाउंट को उसको फिल कर पाएंगे। देन आपका एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को हम कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं या उनके ग्रोथ होने से रोक पाएंगे। नेक्स्ट हम क्या है लिटमस पेपर का यूज़ करने से हम कोई ना कोई एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करें, लिटमस पेपर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं यूरिन का एग्जामिनेशन कर सकते हैं और पेशेंट की कंडीशन का इजीली पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका बकेट, जो भी यूरिनरी ब्लैडर से जो भी कंटेंट रिमूव हो रहा है उसको हम क्या करेंगे इसमें ब्लैंकेट में फिल करेंगे, तो इस तरह से हमें इक्विपमेंट की नीड होती है। नेक्स्ट हमें प्रोसीजर, तो हम किस तरह से प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, तो प्रोसीजर के लिए फर्स्टली हमें क्या करना है थोरली हैंड वॉश प्रॉपरली हमें क्या करना है हैंड वॉश करना है, सेकेंड हमें क्या करना है वियरिंग दी ग्लव्स, ग्लव्स को क्या करना है वियर करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करना है, या हम साइड लेटरल पोजीशन देंगे या हम उसको क्या देंगे हम डोर्सो रिकमेंडेड पोजीशन प्रोवाइड करेंगे जिससे हम इजीली क्या कर सकते हैं उसको कैथेटराइजेशन या कैथेटर जो ट्यूब है उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे फनल एंड ट्यूबिंग को कनेक्ट करके पेशेंट को क्या करेंगे कैथेटराइज के साथ अटैच करेंगे। देन हमारे पास जो भी सॉल्यूशन अवेलेबल है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है जो भी कंसल्टेंट ने प्रिस्क्राइब किया है उस सॉल्यूशन का यूज़ करके हम क्या करेंगे कंटिन्यू क्या करेंगे उसके अंदर इंटर करेंगे। देन हमें कुछ दिन बाद वहाँ पर क्या होगा अच्छे से क्लीन होने के बाद अनदर ट्यूब की हेल्प से हम क्या होगा वो जो भी सॉल्यूशन है जो भी इन्फेक्टेड कंटेंट है वो क्या होगा रिमूव होगा और कहाँ पर आ जाएगा आपका ब्लैंकेट के अंदर उसको रख पाएंगे। नेक्स्ट अगर नीड है तो हम उस समय क्या कर सकते हैं आपका लिटमस पेपर की हेल्प से जो भी सैंपल है कलेक्ट किया है उसको हेल्प से हम क्या कर सकते हैं उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं और पेशेंट की कंडीशन को पता लगा सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसके यूरिनरी ब्लैडर को अच्छे से प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं जो भी हमें सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी पेशेंट ने जो भी डॉक्टर ने सॉल्यूशन के बारे में हमें प्रिस्क्राइब किया सॉल्यूशन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं प्रॉपरली उसको क्लीन कर सकते हैं। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद उसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड कर देंगे। देन हम क्या करेंगे ग्लव्स को रिमूव करना है और प्रॉपरली हैंड वॉश करना है। देन इस तरह से हम क्या करें प्रोसीजर को अप्लाई कर पाएंगे। तो आज हम लोगों ने क्या ब्लैडर इरिगेशन के बारे में डिस्कशन किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड करें जिसकी हेल्प से आपको इस टॉपिक के नोट्स एंड अदर टॉपिक्स के नोट्स इजीली अवेलेबल हो पाएंगे। थैंक यू।